मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से शनिवार को बिपाशा सदन मंडी में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 1990 के दशक में साक्षरता के क्षेत्र में प्रदेश में बहुत ज्यादा कार्य हुए हैं और मंडी में इस कार्य को मंडी साक्षरता समिति के माध्यम से मुकाम तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि आज साक्षरता दर इतना बढ़ गया है कि किसी भी अभिभावक व बच्चे को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज बच्चा होश संभालते ही स्वयं कहने लगता है मुझे स्कूल जाना है। और इस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साक्षरता दर इतना बढ़ गया है कि आज के दिन में मैं समझता हूं कि किसी को भी, किसी बच्चों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको स्कूल जाने की जरूरत है। किसी को हम मोटिवेट करें कि भाई बच्चे जो है आप स्कूल जाया करो। आज सभी लोग जो है ये एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने जो है स्कूल जाना है। 6 साल का बच्चा हुआ नहीं कि वो सोचता है कि मैंने स्कूल जाना है। उसके पहले ही जो है आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ और स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर जैसी उम्र हो जाती है तो बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं। ये बहुत कठिन काम है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है और आप सभी बधाई के बाद। मैं कहीं और जिलों में भी रहा हूं, जब मैं यहाँ पर एज एडीसी भी था मंडी में, तभी भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर जो है कोई एक्टिविटीज हमने की है। और तभी मैंने ये कहा था कि इससे पहले मैं किसी और जिले में रहा हूँ, जो आप लोगों का यहाँ पर प्रेजेंस है, जो जमीनी स्तर पे जो प्रेजेंस है वो और किसी हमारे किसी भी जिले में नहीं है। और इस वजह से आप लोगों की जिस भी स्कीम में इन्वॉल्वमेंट है उसमें हम जिला मंडी को जो है अव्वल स्थान पर हमेशा देख पाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जो समाज में परिवर्तन की बात है, अगर साक्षरता से आप आखिर साक्षरता दिवस है, इसके लिए मैंने साक्षरता से बात शुरू की, पर इसको आगे बढ़ाते हुए आप जो है टोटल सैनिटेशन कैंपेन पे आइए। इस अवसर पर महिला मंडलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं सूक्ष्म बीमा योजना के तहत बीमा गांव बनाने में सराहनीय कार्य करने वाले महिला मंडलों को भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से उपायुक्त मंडी ने सम्मानित भी किया।